सीजन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताजीबाना मनाबू को स्पेशल टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में बता रही होती है, और वो जैसे ही विनर का नाम लेने लगती है तब मनाबू विनर का नाम सही गैस कर लेता है और सोचता है तो चलो आए नकोची, देखते हैं कि तुम अगले टेस्ट को कैसे पास करते हो। और यहाँ हम देखते हैं टेस्ट के बाद सभी बच्चे अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होते हैं, तब हिराटा आयनकोजी को अपने और कारुजावा के साथ लंच पर बुलाता है, पर आयनकोजी मना कर देता है। और तब कारुजावा के आने के बाद हिराटा उसे आयनकोजी को भी साथ ले जाने के लिए कहता है, पर कारुजावा उसके लिए मना कर देती है। और तब एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें सभी को एक नए टेस्ट के बारे में बताया जाता है और उन्हें शाम को अलग अलग रूम में बुलाया जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं आयनकोजी कारुजावा युकीमुरा और सोतोमुरा एक ही ग्रुप में होते हैं, और तब टीचर उन्हें टेस्ट के बारे में समझाने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है इस स्पेशल टेस्ट में 8 ग्रुप्स बनाए जाएंगे जिन सबके नाम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग होंगे, और हर ग्रुप में 14 मेंबर्स होंगे जिसमें से 4-4 मेंबर्स डी और सी क्लास के होंगे और 3-3 मेंबर्स ए और बी क्लास से होंगे। ये टेस्ट टोटल 4 दिनों का होगा जिसमें से एक दिन रेस्ट के लिए मिलेगा। और 8 बजे सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से एक मेल आएगी और उनमें से एक वीआईपी होगा जिसके बारे में बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा। और उसके बाद एक दिन में एक ग्रुप 2 बार डिस्कशन कर सकता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स मिलकर वीआईपी की आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और लास्ट डिस्कशन के 30 मिनट बाद स्टूडेंट्स को अपने आंसर के साथ स्कूल को एक मेल भेजनी होगी, पर वीआईपी कोई मेल नहीं भेज सकता। और तब हमें उस पूरे एग्जाम को कंप्लीट करने के अलग अलग सिनेरियोस बताए जाते हैं जिसमें से फर्स्ट केस में अगर वीआईपी और उनके क्लास के मेंबर्स को छोड़कर बाकी ग्रुप के सभी मेंबर्स वीआईपी का सही नाम गैस कर लेते हैं तो उस ग्रुप के सारे मेंबर्स को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ वीआईपी को टोटल 10 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। और अब केस नंबर 2 पर, अगर वीआईपी और उनके क्लास वालों को छोड़कर बाकी ग्रुप के एक मेंबर ने भी वीआईपी का नाम गलत गैस किया तो सिर्फ वीआईपी को ही 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। और अब केस 3, अगर वीआईपी और उनके क्लास के मेंबर्स के अलावा ग्रुप का कोई भी एक मेंबर सही वीआईपी गैस करके स्कूल को मेल कर देता है तो उसकी क्लास को 50 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे और उस अकेले मेंबर को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे और टेस्ट वहीं खत्म हो जाएगा। पर अगर वीआईपी की सेम क्लास का मेंबर ही उसका नाम सेंड कर देता है तो उसे इनवैलिड माना जाएगा और टेस्ट वैसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। और अब लास्ट केस 4, जिसके अकॉर्डिंग अगर वीआईपी के अलावा ग्रुप का कोई और मेंबर वीआईपी का गलत नेम गैस करके स्कूल को भेज देता है तब उसकी क्लास में से 50 क्लास पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे और वीआईपी को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे और साथ ही साथ उसकी क्लास को 50 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे और उसके बाद वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वीआईपी की क्लास में से कोई गलत आंसर देता है तो उनके आंसर को इनवैलिड माना जाएगा। और तब हम यहाँ देखते हैं आयनकोजी के ग्रुप का नाम मार्स होता है, और तब टीचर उन्हें बताते हैं इस टेस्ट में किसी के भी बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, सिर्फ ग्रुप के रिजल्ट्स और क्लास के पॉइंट्स बताए जाएंगे और वीआईपी की आइडेंटिटी भी सीक्रेट रखी जाएगी। तब थोड़ी देर बाद आयनकोजी वापस जाते हुए सोचता है इस टेस्ट के 4 रिजल्ट्स निकल सकते हैं जिसमें से सबसे पहला है पूरा ग्रुप इंफॉर्मेशन शेयर करके वीआईपी का सही नाम दे और जीत जाए, दूसरा है कि कोई एक भी मेंबर गलत गैस करे और वीआईपी जीत जाए, तीसरा है कोई वीआईपी का नाम पता लगा के गद्दारी कर दे, और चौथा है कोई गद्दार वीआईपी का गलत नाम गैस करे। तो इसका मतलब ये लोग इस टेस्ट में हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं, ये कितना बोरिंग है। और तब अगले दिन सुजुने और आयनकोजी साथ बैठे होते हैं और तभी उन्हें मेल आ जाती है, तब वो एक दूसरे को बताते हैं कि वो वीआईपी नहीं है। और तब हम देखते हैं वहाँ रुइन भी आ जाता है और सुजुने से उस आइलैंड पर जीतने का राज पूछता है, तब सुजुने उसे ये बताने से मना कर देती है। तब रुइन कहता है अगर तुम्हें पता है कि उस टेस्ट को कैसे जीतना है तो उस टेस्ट को जीतना इतना भी मुश्किल नहीं था, पर बहुत कम लोग हैं जो उस कंडीशन में इतना दिमाग लगा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी क्लास के जीतने में तुम्हारा कोई हाथ है, तो मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि आखिरकार इसके पीछे है कौन।
आखिरकार तुम क्लास जी के पीछे क्यों पड़े हो? क्लास बी की इचिनोजे और क्लास ए के कात्सुरागी क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे पहले से पता है, तो इसलिए वो मेरे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। पर क्लास जी के बारे में अभी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और वहाँ से चला जाता है और तब यहाँ टेस्ट का फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है और इचिनोजे ग्रुप मार्स की डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए कहती है, जहाँ वो सबको अपना नाम शेयर करने के लिए कहती है और अपने आप को एक मॉडरेटर के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है। और तब वो सबको फर्स्ट केस को एस्टेब्लिश करने के लिए कहती है जिसमें सबको इक्वल पॉइंट्स मिलने हैं। और हम देखते हैं क्लास बी और डी इस बात के लिए मान जाती हैं, पर क्लास ए उस डिस्कशन में पार्ट लेने से मना कर देती है। तब हामाकुची कहता है, तो अगर क्लास ए डिस्कशन से मना कर देगी तो इसका मतलब वीआईपी सारे पॉइंट्स ले जाएगा। तब माचिता कहता है, अगर हम डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन का एक वर्स्ट सिनेरियो भी हो सकता है जिससे कोई भी पर्सन वीआईपी का गलत नाम गैस करके टेस्ट को खत्म कर सकता है। डिस्कशन से पीछे हटना तो बहुत अच्छी सोच है, पर अगर हम वीआईपी की आइडेंटिटी पता नहीं लगाएंगे तो क्लासेस के बीच के पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। और अगर एक क्लास में ज्यादा वीआईपीज हुए तो उस क्लास को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तब आयनाकोजी सोचता है, हामागुची का पॉइंट बिल्कुल सही है, पर कात्सुरागी ने पहले से ही इसका जवाब ढूंढ रखा है जो कि है इम्पार्शियलिटी। तब माचिता कहता है, एक क्लास में ज्यादा वीआईपी नहीं हो सकते क्योंकि स्कूल पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करता है और हमें ये बात पिछले टेस्ट से पता लगती है। तब इचिनोजे कहती है, पर तुम्हारे प्लान से सिर्फ तुम्हारी क्लास को फायदा होगा क्योंकि फाइनल क्लास रैंकिंग में कुछ भी चेंज नहीं होगा और तुम्हारी क्लास तो पहले से ही आगे है। पर तुम्हारे प्लान में भी तो तुम्हारी क्लास को ही फायदा होगा ना? ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इस ग्रुप में क्लास सी और क्लास जी के ज्यादा मेंबर्स हैं, तो इसलिए उन्हें ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। पर हम देखते हैं इतनी सारी डिस्कशन होने के बाद भी क्लास ए अपनी बात पर अड़ी होती है और उस डिस्कशन से बाहर हो जाती है। और तब यहाँ आयनाकोजी देखता है क्लास सी की कुछ लड़कियाँ कारियु जावा की फोटो खींच रही होती हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि उसी ने उनकी क्लास की एक लड़की को तंग किया है। पर हम देखते हैं कारियु जावा उन्हें मना कर रही होती है और तब माचिदा वहां आकर कारियु जावा को बचा लेता है। और हम यहां देखते हैं मार्स ग्रुप की अगली डिस्कशन में भी कुछ पता नहीं चलता है। और तब यहां रात को कारियु जावा बाथरूम में रो रही होती है। और तब अगले दिन हिराटा आयनाकोजी और युकी मीरा को कुशीदा के वीआईपी होने के बारे में बताता है। और यहाँ कुएनजी इस टेस्ट से बोर हो चुका होता है और वीआईपी का नाम बताकर अपने ग्रुप के टेस्ट को खत्म कर देता है। और तब यहाँ रात को आयनाकोजी और सुजने आपस में मिलते हैं, जहाँ आयनाकोजी उसे कारियु जावा के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तब सुजुने कहती है, क्या तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो वीआईपी है? तब आयनाकोजी कहता है, मुझे कारियु जावा के बारे में कुछ नहीं पता है, तो जिस वजह से मैं ये नहीं बता सकता कि वो वीआईपी है या नहीं, पर वो जिस तरह से एक्टिंग कर रही है वो नॉर्मल नहीं है। तब सुजुने कहती है, वो हमेशा से ऐसे ही करती है, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तब आयनाकोजी कहता है, लोग सबसे पहले लोगों को उनकी अपीयरेंस के द्वारा जज करते हैं और उसके बाद उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उन्हें समझते हैं, पर कुछ लोग मेरी ही तरह सबको धोखा देते हैं। कारियु जावा बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसे पहले देखकर लगता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड और अनकोऑपरेटिव पर्सन है, पर वो फिर भी क्लास डी में बहुत ज्यादा फेमस है। तो सुजुने कहती है, तो फिर इसका मतलब वो हमेशा हर चीज का इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार रहती होगी। तब आयनाकोजी कहता है, अगर ऐसी बात है तो वो डिस्कशन में इतना चुप क्यों रह रही है? तब सुजुने कहती है, तो फिर तुम आगे क्या करने वाले हो? तब आयनाकोजी कहता है, अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और सोचता है, क्लास जी को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, और अगर कारियु जावा इस चीज को करने में मेरी मदद कर सकती है तो मुझे उस पर नजर रखनी होगी। और तब रुइन सुजुने से मिलने आ जाता है और उसे कहता है, मैं बहुत जल्दी ही सारे वीआईपीज को ढूंढने वाला हूँ। तब सुजुने उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है। तब आयनाकोजी सोचता है, इसे शायद वीआईपीज के नाम पता चल जाए, क्योंकि स्कूल अपने हर एक टेस्ट को एक लॉजिक के अकॉर्डिंग जनरेट करता है, तो इसलिए अगर आपको वो लॉजिक पता लग जाए तो आप उस टेस्ट में जीत हासिल कर सकते हैं। और रुइन को इसी बात का एहसास हो गया है। तब रुइन कहता है, मुझे जैसे ही अपने क्लास के वीआईपीज के बारे में पता चल जाएगा वैसे ही मैं इस टेस्ट को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। तब सुजुने कहती है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें धोखा दे दें। तब रुइन कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा,
क्योंकि मैंने उनके फोन पहले से ही छीन रखे हैं, तो इसलिए अब मुझे बस उनकी मेल चेक करनी होगी। तो सुजुने कहती है, पर ये तो रूल के खिलाफ है और अगर बाहर किसी को पता चल गया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो रुइन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सुजुने, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। अगर हम सारे क्लास BCD जुड़ जाएं और अपने VIPs की इंफॉर्मेशन को शेयर कर दें, तो हम इस टेस्ट के लॉजिक को ढूंढ पाएंगे और तब हम मिलकर क्लास A को हरा देंगे। और तब सुजुने उस ऑफर को मना कर देती है। और तब यहाँ कारियोजावा सोच रही होती है, मैं तो फिर से वैसी ही हो गई हूँ जैसे मैं पहले थी। मुझे ना ही किसी से मिलना है और ना ही किसी को दोस्त बनाना है। मुझे बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक पैरासाइट हूँ जिसे जीने के लिए हमेशा किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। और तब हम यहाँ देखते हैं क्लास B, C और D के टीचर्स एक साथ मजे कर रहे होते हैं। तब क्लास D की टीचर साय क्लास B की टीचर ची से कहती है, वैसे तो सारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को अर्थ ग्रुप में डाला गया है, पर इचिनोजे को आयनकोजी के ग्रुप में क्यों डाला गया है? क्या तुम ये सब कुछ हमारे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से कर रही हो? तब ची कहती है, ये तो 10 साल पहले की बात है, तुम अभी भी उस पर अटकी हुई हो। ये सच है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम आयनकोजी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? पर इचिनोजे को मैंने उस ग्रुप में नहीं भेजा है और मैं ये तो बिल्कुल नहीं जानना चाहती कि आखिरकार वो कैसे उस आइलैंड टेस्ट में लीडर बना। तब आयनकोजी देखता है हारियोजावा हिराटा को उसे क्लास सी की लड़कियों से प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही होती है। तब हिराटा कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं इस चक्कर में किसी को हर्ट नहीं करूँगा। तब कारियोजावा कहती है, तुम एक झूठे हो क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तब हिराटा कहता है, आखिरकार तुम झूठा किसे कह रही हो? मैं तो तुम्हें हमेशा से बचाता आ रहा हूँ। हम चाहे दुनिया के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पर ये सच नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हें बचा तो सकता हूँ, पर तुम्हारे गलत बिहेवियर पर तुम्हारी साइड नहीं ले सकता। और ये सुनते ही कारियोजावा नाराज हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तब हिराटा देखता है कि आयनकोजी ने सारी बात सुन ली होती है। तब हिराटा को पता चलता है कि आयनकोजी को उसके बिहेवियर के कारण इस बारे में पहले से ही पता था। और तब आयनकोजी कहता है, अगर उसे इस रिलेशन की जरूरत है और वो जिस तरह से एक्ट करती है उस हिसाब से पता चलता है कि वो एक पैरासाइट है, तो इसका मतलब वो खुद को बस बचाना चाहती है। तब हिराटा आयनकोजी की इंटेलिजेंस को देखकर हैरान हो जाता है, पर आयनकोजी सुजुने का नाम लेकर सारा क्रेडिट उसे दे देता है। तब आयनकोजी कहता है, पर आखिरकार वो बचना किससे चाहती थी? तब हिराटा कहता है, वो हर चीज से बचना चाहती है और चाहे उसके चेहरे से लगता ना हो, पर वो 9 सालों से बुली होती आई है। और तब हम देखते हैं मास ग्रुप की थर्ड और फोर्थ डिस्कशन में इचिनोजे के बार बार कोशिश करने पर भी कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। और यहाँ हम देखते हैं मास ग्रुप की फोर्थ डिस्कशन के बाद क्लास सी की लड़कियाँ कारियोजावा का पीछा करने लगती हैं। और तब युकी मीरा को उन पर शक होता है और तब वो और आयनकोजी उनके पीछे जाने लगते हैं। और तब यहाँ क्लास सी की लड़कियाँ कारियोजावा को पकड़ लेती हैं और उसके ऊपर अपनी क्लास की एक लड़की को तंग करने का इंजाम लगाने लगती हैं। पर हम देखते हैं कारियोजावा उस इंजाम को मान नहीं रही होती, पर उनके फोर्स करने के बाद कारियोजावा उस बात को मान जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। और तब क्लास सी की लड़कियाँ उसे बुली करके उसकी फोटो खींचने लगती है। और तब युकिमुरा जैसे ही कारियोजावा को बचाने जाने लगता है, आयनकोजी उसे रोक देता है। पर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद जुकिमीरा से रहा नहीं जाता और वो कारियोजावा को बचाने आगे चला जाता है। और तब क्लास सी की लड़कियां भी वहां से चली जाती हैं और कारियोजावा भी युकिमुरा को डांटकर वहां से चली जाती है। तब आयनकोजी सोचता है, लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए। और तब हमें पता चलता है एक और ग्रुप का टेस्ट खत्म हो चुका होता है। तब आयनकोजी सोचता है, रुइन VIP सिलेक्शन के पीछे का लॉजिक पता कर रहा है, तो जिसका मतलब अब मुझे भी अपनी चालें चलनी होंगी। और तब वो क्लास सी की लड़की मनाबी शिहो को मैसेज सेंड करता है। और यहाँ कुरियोजावा हिराटा के मैसेज को देखकर शिप के बेसमेंट में आई होती है, जहाँ मनाबे और उसकी सारी दोस्त भी वहाँ आ जाती है। तब मनाबे कहती है, चलो अब इसे तंग किया जाए और इससे रीका के सामने इसकी गलती की माफी मंगवाई जाए। तब वो लड़कियाँ कारियोजावा को रोने के लिए कहती है। तब मनाबे कहती है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तो पहले भी बुली किया गया होगा। जिसे सुनकर कारियोजावा बुरी तरह से डरने लगती है और उसे देखकर सारी लड़कियाँ उस पर हंसने लगती हैं। और जैसे ही कारियोजावा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, वैसे ही मनाबे उसे पकड़कर एक चाटा लगाती है और रीका को भी उसे मारने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं रीका पहले पहले तो बहुत झिझक रही होती है, पर जैसे ही वो उसे मारना शुरू करती है
उसे इसमें मजा आने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं आयनको जी ये सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है और सोचता है, मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कुछ सर्कमस्टांसेस इंसान की नेचुरल क्रुएलिटी को बढ़ा सकते हैं। तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया मनाबे, मैंने तो बस तुम्हारे लिए ये सीन अरेंज करवाया था, पर अब तुम इसकी हिम्मत को तोड़कर मेरी और भी ज्यादा मदद कर रही हो। और तब उन लड़कियों के जाने के बाद आयनको जी उससे मिलने आता है। तब कारियोजावा को पता चलता है कि आयनको जी उसे तब से देख रहा था, और वो जैसे ही हिराटा को फोन करने लगती है, आयनको जी उसे मना कर देता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा से बुली किया गया है, और मैं तुम्हारा सच सबके सामने भी ला सकता हूँ। और तब वो कारियोजावा को बुली करने लगता है। तब कारियोजावा कहती है, तुम मुझे बुली नहीं कर रहे हो, तुम तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, पर फिर भी देखो तुम कुछ भी करने से मना नहीं कर रही हो। जब लोग बुरी से बुरी सिचुएशन में बार बार फंसते हैं, तब उन्हें उस चीज की आदत पड़ जाती है और वो समझ जाते हैं कि उस मामले में वो कुछ नहीं कर सकते। कारियोजावा, इस दुनिया में बहुत तरह की निराशाएं हैं, और तुम सच में बहुत ज्यादा निराशा में हो। जिनके दिलों में डार्कनेस होती है वो अपने साथ साथ बाकियों को भी डुबा लेते हैं, और जो स्ट्रांग होते हैं वो वीक लोगों पर हावी पड़ जाते हैं। तुम जितनी डार्कनेस जानती हो, ये दुनिया उससे भी कहीं ज्यादा डार्कनेस से भरी हुई है। तो इसलिए मैं तुमसे आज प्रॉमिस करता हूँ कि जिस तरह हिराटा और माचिदा तुम्हें बचा रहे थे, मैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे से तुम्हें बचाऊंगा। और तब वो कारियोजावा को लासी की लड़कियों की उसे बुली करने वाली वीडियो दिखाता है और कहता है, अब अगर आगे वो तुम्हें तंग करेंगी तो उन्हें ये धमकी दे देना कि तुम इस वीडियो को लीक कर दोगी, तो अब मेरे साथ मिल जाओ, और मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्लास डी अपनी करंट स्टेट में आगे नहीं बढ़ सकती है, पर अगर तुम क्लास की सारी लड़कियों को इकट्ठा करोगी तो हमारी क्लास के पास वो यूनिटी आ जाएगी जो कि हमारे पास अभी नहीं है। और सोचता है, यही वो काम है जो सुजुने कभी नहीं कर सकती है। आखिरकार तुम हो कौन? मैं तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चलूंगा और तुम मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो तुम ऐसा रिलेशन चाहती हो ना? और तब कारियोजावा इस डील को मान जाती है, और तब वो कारियोजावा को कुछ करने के लिए कहता है, और यहाँ वो अपनी क्लास टीचर से पॉइंट्स के बदले कुछ खरीदता है। और तब हम यहाँ देखते हैं ग्रुप मास की फाइनल डिस्कशन से पहले इचिनोजे और आयनको जी क्लास ए तक पहुँचने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और तब डिस्कशन स्टार्ट होने के बाद हामागुची सबको अपने अपने सेलफोन्स दिखाने के लिए कहता है, ताकि सबको पता चल सके कि आखिरकार वीआईपी कौन है। तब माचिता कहता है, इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि अगर सभी को वीआईपी का नाम पता चल जाएगा तो कोई ना कोई जरूर होगा जो हमें धोखा दे देगा। मुझे पता है, पर इस टाइम हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें अगर जीतना है तो हमें ये करना ही होगा। और तब हम देखते हैं एक एक करके सभी लोग अपने सेलफोन्स दिखा देते हैं, और तब सभी को पता चलता है कि युकिमीरा ही वीआईपी होता है। तब हामागुची सबसे ये प्रॉमिस लेता है कि कोई भी वीआईपी को एक्सपोज नहीं करेगा। तब सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। तब आयनको जी सोचता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई ना कोई हमें धोखा जरूर देगा और मेरे ट्रैप में फंस जाएगा, क्योंकि असल में मैं वीआईपी हूं, और मैंने और युकिमुरा ने अपने फोन्स एक्सचेंज किए हैं। और तब हम देखते हैं इचिनोजे आयनको जी को फोन करती है, और सबको ये पता लग जाता है कि युकिमुरा के पास जो फोन है वो आयनको जी का है, और असल में आयनको जी ही वीआईपी है। तब सभी लोग डी क्लास को झूठा कहने लगते हैं, और हम देखते हैं डिस्कशन एंड होने की अनाउंसमेंट हो जाती है। और तब हमें यह पता चलता है कि असल में वीआईपी कारियोजावा होती है, और आयनको जी ने उससे अपने फोन को स्वैप किया होता है, पर क्योंकि स्कूल की पॉलिसी के हिसाब से वो अपने फोन का सिम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आयनको जी अपने पॉइंट्स के जरिए अपने टीचर से इसी बात का एक्सेस लेने गया होता है, जिससे वो सभी लोगों को धोखे में रख सके। और हम देखते हैं इसी वजह से वो सबको ये विश्वास दिला पाता है कि वही वीआईपी है। और तब हम यहाँ देखते हैं इचिनोजे सारी बातें सुन लेती है, और वो कहती है, तो इसका मतलब मैं सही थी, और इस टाइम पक्का कोई ना कोई तुम्हारे ट्रैप में फंस रहा होगा। तो तुमने मेरे फोन पर फोन इसलिए किया था क्योंकि बी क्लास भी यही स्ट्रेटेजी अपना रही थी? तब इचिनोजे हाँ कहती है। तब आयनको जी कहता है, पर आखिरकार तुमने सबके सामने हमारा राज क्यों नहीं खोला? मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर क्लास ए और सी में से कोई भी गलत जवाब देगा तो अल्टीमेटली हमारी क्लास को ही प्रॉफिट होगा। तो क्या ये सारा प्लान भी सुजुने ने बनाया था? तब आयनको जी हाँ कहता है। और तब हम देखते हैं टेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं,
जहाँ क्लास ए के 200 पॉइंट्स कम हुए होते हैं, क्लास बी के पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं आता, क्लास सी को 100 पॉइंट्स मिले होते हैं और क्लास डी को 50 क्लास पॉइंट्स मिले होते हैं, जिस हिसाब से क्लास सी जीत चुकी होती है। तरुण वहाँ आकर कहता है, देखो सुजुने, अब तुम्हें पता लग ही गया होगा कि मुझे पहले से ही VIPs के बारे में पता था। पर हमारे ग्रुप में कोई गद्दार नहीं था, जिसका मतलब तुम्हें हमारे ग्रुप के VIP के बारे में नहीं पता था। तुम्हारी ग्रुप की VIP कुशीदा थी और ये बात मुझे टेस्ट के दूसरे दिन ही पता चल गई थी। जिसे सुनकर सुजुने शॉक हो जाती है। तब रुइन कहता है, तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आया सुजुने, अब मेरा अगला टारगेट तुम होगी, देखना तुम्हें सेकंड टर्म में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तब आयने को जी सोचता है, लगता है क्लास डी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। और यह हम देखते हैं स्कूल में वापिस आ जाने के बाद आयने कोची, सुजुने, कारियोजावा और हिराटा इकट्ठे बैठे होते हैं। और तब हिराटा कारियोजावा को पिछले टेस्ट का लॉजिक समझाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि VIP की सिलेक्शन के लिए स्कूल ने एक लॉजिक को बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग जैसे कि मार्स प्लेनेट सोलर सिस्टम में फोर्थ पोजीशन पर आता है और अगर हम उस ग्रुप के सभी मेंबर्स के नामों को अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो आगे से फोर्थ पोजीशन पर कारियोजावा का नाम आता है, जिसके हिसाब से मार्स ग्रुप की VIP कारियोजावा होगी। तब कारियोजावा कहती है, पर ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है। तब हिराटा कहता है, ये सिंपल तो है, पर अगर आपको 2-3 ग्रुप्स के VIPs के नाम ना पता हो तो आप इस पैटर्न को नहीं पहचान सकते। पर रुइन ने इस पैटर्न को फाइंड आउट करके बहुत बढ़िया काम किया है, पर फिर भी उसकी क्लास में कोई ऐसा है जिसे उसका रूल करना पसंद नहीं है। और तब क्लास जी की टीचर उन सभी को आने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बताती है, जिसके अकॉर्डिंग इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी उन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे और इस बार पूरा स्कूल भी रेड और व्हाइट टीम में कम्पीट करेगा, जिसमें क्लास जी और क्लास से रेड टीम में होंगी और इसमें दोनों क्लासेस के सारे ईएस के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे। और तब हमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसमें इवेंट्स को दो तरह से बांटा गया होता है, एक तो वो जिसे सारी क्लासेस को करना कंपलसरी है और दूसरा ऑप्शनल है, पर ऑप्शनल के पॉइंट्स कंपलसरी वाले इवेंट से ज्यादा हैं और इसमें जो भी क्लास के मेंबर्स अगर पहली 3 पोजीशंस हासिल करते हैं तो उन्हें बोनस पॉइंट्स दिए जाएंगे, जो कि वो अपने अगले रिटर्न एग्जाम में ऐड कर सकते हैं, पर जो सबसे लास्ट के 10 प्लेयर्स होंगे उनके नेक्स्ट रिटर्न एग्जाम में 10 पॉइंट्स कम हो जाएंगे। और इसमें टोटल 13 इवेंट्स हैं, जिसमें 9 कंपलसरी इवेंट्स हैं और 4 वॉलंटरी इवेंट्स हैं। तब यहाँ टीचर कहती है, ये सारे इवेंट्स आपके स्टेमिना और एथलेटिक एबिलिटी पर डिपेंड करता है, तो इसलिए आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए कि आपको किस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसमें एक स्टूडेंट कितने भी इवेंट्स में पार्ट ले सकता है। अब इसके बाद मुझे सभी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट बनाकर दे देना। तब थोड़ी देर बाद सुजुने आयने कोची से कहती है, ये स्पोर्ट्स इवेंट भी मुझे पुराने स्पेशल टेस्ट की तरह ही लग रहा है, क्योंकि इसमें भी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर तरीके से ही हो रही है। तब आयने कोची कहता है, तुमने सही कहा, ये पेपर पर तो बिल्कुल अलग लगते हैं, पर जब इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में हम पॉइंट्स के जरिए कुछ खरीद कर कुछ लूप होल्स निकाल सकते हैं, पर ये टेस्ट सिर्फ हमारी स्टेमिना और एथलेटिक एबिलिटी पर डिपेंड करता है, जिसके लिए हमें बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करनी होगी। तब सुजुने कहती है, मैं भी प्रिपरेशन की ही बात कर रही हूँ। तब आयनकोजी कहता है, तुम इसमें भी लूप होल्स ढूंढ रही हो, जैसे कि या तो कोई एब्सेंट हो जाए या फिर कोई इवेंट छोड़कर चला जाए। तब सुजुने कहती है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें इसे नॉर्मल मेथड से ही कंप्लीट करना होगा? तब आयनकोजी कहता है, अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे कैसे करना चाहती हो। और तब यहाँ क्लास में स्पोर्ट्स इवेंट की डिस्कशन चल रही होती है, जहाँ सुडो सारे वॉलंटरी इवेंट्स में पार्ट लेने की बात करता है और हम देखते हैं सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं हिराटा ने इन वॉलंटरी इवेंट्स को जीतने के लिए 2 मेथड प्रपोज किए होते हैं, जिसमें से पहला है स्किल मेथड, जिसके अकॉर्डिंग स्किल्ड पर्सन को प्रायोरिटी दी जाएगी, और दूसरा है वॉलंटरी मेथड, जिसके अकॉर्डिंग पर्सन के हिसाब से उसे इवेंट चुनने की पूरी आजादी दी जाएगी। तो हिराटा कहता है, तो अगर किसी को स्किल्ड मेथड में कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं ना? तब सुजुने कहती है, मैं मानती हूँ कि स्किल्ड मेथड बहुत अच्छा है,
पर हम इससे गारंटी नहीं दे सकते कि हम इसे यूज करके दूसरी क्लासेस को हरा सकते हैं या नहीं। जैसे कि हमें पता ही है कि हमें वॉलंटरी इवेंट्स में अपने सबसे स्किल्ड एथलीट्स यूज करने हैं, पर अगर हम ध्यान से कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो हम कंपल्सरी इवेंट्स में भी अपना फुल पोटेंशियल यूज कर पाएंगे। जैसे कि हम दो तेज रेसर्स को इकट्ठे ना दौड़ाकर एक तेज और एक स्लो रेसर को इकट्ठा दौड़ाएं, जिससे हमारे जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो शिनुहारा इस प्लान को अपोज करने लगती है और कहती है, अगर ऐसा हुआ तो नॉन एथलेटिक पर्सन को फर्स्ट 3 पोजीशन में आने का चांस तो मिलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से उन्हें नेक्स्ट एग्जाम में कोई बोनस नहीं मिलेगा। तब सुजुने कहती है, पर तुम्हें इस टाइम पूरी क्लास के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि क्लास के जीतने से ही हमें आगे जाकर फायदा हो सकता है। पर अगर तुम पढ़ाई में मेहनत करोगी तो तुम्हें बोनस पॉइंट्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वैसे भी बोनस पॉइंट सिर्फ फर्स्ट 3 पोजीशन पर आने वाले बच्चों को ही मिलेंगे। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें तुम फर्स्ट 3 पोजीशन में आ सकती हो? और तब हम देखते हैं शिनोहारा इस पॉइंट पर बहस नहीं कर पाती, और तब हम देखते हैं आयनकोजी के कहने पर कारियोजावा भी उस प्लान को अपोज करने लगती है, और वो कुशीदा से भी इस बारे में पूछती है। तब कुशीदा दोनों प्लान्स को जोड़ने का आइडिया देती है। तब सुजुने कहती है, मैंने इसके बारे में भी सोच रखा है, जिसमें वो स्टूडेंट्स जिन्हें टेस्ट पॉइंट्स नहीं चाहिए वो टॉप पोजीशन पर आएंगे, और उसके बाद वो नीचे आने वाले स्टूडेंट्स को प्राइवेट पॉइंट्स को एवरेज आउट करके बांट देंगे। पर हम देखते हैं कारियोजावा फिर भी नहीं मानती है। तब इराटा इस बात के लिए वोटिंग करने के लिए कहता है, और हम देखते हैं सुजुने वोटिंग में जीत जाती है, और आयनकोजी दोनों के बारे में ही हाथ नहीं खड़ा करता है। और तब थोड़ी देर बाद कारियोजावा आयनकोजी से उसके ये सब कुछ करने का रीजन पूछती है, पर आयनकोजी उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब कारियोजावा कहती है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? तब आयनकोजी कहता है, मैं क्लास जी को इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि वो क्लास ए तक पहुँच सके। तब कारियोजावा कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमसे अच्छे हो? तब आयनकोजी कहता है, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये बस करके ही दिखाऊंगा ताकि तुम मुझ पर विश्वास कर सको। और हाँ, याद रखना, स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान कोई एक हमारी क्लास में से गद्दार निकलेगा और वो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स की इन्फॉर्मेशन दूसरी क्लासेस को दे देगा। जिसे सुनकर कारियोजावा शॉक हो जाती है, और आयनकोजी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। और तब यहाँ अगले दिन सारे लोग अपनी आर्म स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं, जहाँ सुडो की आर्म स्ट्रेंथ 82.4 निकलती है। तब वो आयनकोजी को उसे ट्राई करने के लिए कहता है। तब आयनकोजी सुडो से एवरेज आर्म स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है, तब सुडो 60 कहता है। तब आयनकोजी सोचता है, ग्रिप स्ट्रेंथ आपकी बाजुओं की मोटाई पर डिपेंड नहीं करती है, इस स्ट्रेंथ के लिए फोर आर्म्स की दो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो की है ब्रैचियो रेडिलियस और दूसरी है फ्लेक्सर कार्पी रेडिलियस, और अगर हम इन दोनों मसल्स को ट्रेन करेंगे तो हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। और तब हम देखते हैं आयनकोजी अपनी वो दो मसल्स को यूज करके अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ को 60 तक पहुंचा देता है, जिससे हिराटा शॉक हो जाता है और उसे बताता है कि एवरेज ग्रिप स्ट्रेंथ तो 45 होती है, और इस हिसाब से तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और तब सभी पार्टिसिपेंट्स के इवेंट्स के अकॉर्डिंगली नाम लिख लिए जाते हैं, और किसी भी स्टूडेंट को उस लिस्ट की फोटो खींचने से मना किया जाता है। और तब हम यहाँ देखते हैं सुजु ने कियानो के साथ 3-leg race दौड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर तब कियानो उसे थोड़ा स्लो भागने के लिए कहती है। तब सुजु ने कहती है, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, तो इसलिए तुम्हें मेरे रिदम के अकॉर्डिंग चलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और स्लो भागने से मना कर देती है। और तब आयनकोजी जैसे ही उसे ये बात समझाने के लिए जाता है, सुजु ने उसकी कोई बात नहीं मानती है। तब आयनकोजी कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे साथ कोई भी दौड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तब सुजु ने कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कोई मेरी स्पीड जितना नहीं दौड़ सकता तो मुझे उसके साथ भागना भी नहीं है। और तब आयनकोजी सुजुने को अपने साथ भागने के लिए कहता है, और तब हम देखते हैं सुजुने आयनकोजी की स्पीड को टक्कर नहीं दे पा रही होती, जिससे वो बहुत ज्यादा थक जाती है। और तब आयनकोजी उसे अपने पार्टनर की तरफ ध्यान देने की बात करता है, और सुजुने भी उसकी बात को मान जाती है। तब आयनकोजी कहता है, क्या तुम इसके बाद मेरे साथ कहीं चलोगी? क्योंकि मेरे और तुम्हारे अलावा एक और पर्सन है जो कि व्हाइट टीम की जीत को इफेक्ट कर सकता है, और वो पर्सन कुशीदा है, क्योंकि वो कुशीदा ही है जिसने अर्थ ग्रुप को धोखा दिया था।
उस टेस्ट में वीआईपी का पता लगाना नामुमकिन था और मुझे भी पूरा यकीन है कि तुमने और हिराटा दोनों ने ही वीआईपी का नाम किसी को नहीं बताया होगा, तो शायद कुशीदा ने ही प्राइवेट पॉइंट्स को पाने के लिए ये काम किया होगा। क्या सच में कुशीदा कुछ प्राइवेट पॉइंट्स के लिए अपनी क्लास को बेच सकती है? अब ये तो सिर्फ उसे ही पता है। तो क्या तुम इसलिए हम दोनों को लेकर कहीं जाना चाहते हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारे और कुशीदा में कोई पुराना रिश्ता है, और वैसे भी अगर किसी क्लास में कोई गद्दार होता है तो वो कभी नहीं जीत सकते। तो अगर तुम्हें क्लास को लीड करना है तो तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। तब हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद सुजुने, आयनाकोची और कुशीदा एक साथ बैठे होते हैं। तब सुजुने सीधा ही उससे उसके गद्दार होने के बारे में पूछने लगती है, पर कुशीदा मना कर देती है। और तब स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ सुडो सबको जीतने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है। तब कारियुजावा कहती है, ये तो एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है जो कि अपनी क्रश सुजुने के सामने नंबर बनाना चाहता है। और तब यहाँ साक्या नागी ये सब कुछ देख रही होती है और आयनाकोची को देखकर मुस्कुराने लगती है। और तब हम यहाँ देखते हैं टीम रेड पहले कंपटीशन में ही एक लीड हासिल कर लेती है, और यहाँ हम देखते हैं कोइंजी खेलने से मना कर देता है, जिस बात के लिए सुडो उसे डांट रहा होता है। तब कोइंजी बताता है, इससे पहले सुजुने ने भी मुझसे पार्ट लेने के लिए रिक्वेस्ट की थी, पर मैं आज नहीं खेल सकता, जिससे सुडो को गुस्सा आ जाता है और वो सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने भी क्विट किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और तब अगली गेम स्टार्ट हो जाती है जहाँ क्लास सी के लोग सुडो को घेर लेते हैं और रुइन और उसके दोस्त उसे मारने लगते हैं। और तब एल्बर्ट की मदद से टीम वाइट जीत जाती है। और तब सुडो गेम को हारता हुआ देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तब यहाँ सुजुने का एक लड़की के साथ टकराकर पैर मुड़ जाता है, जिस वजह से सुजुने के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब सुजुने कहती है, क्लासी की उस लड़की को देखकर लगता है कि वो मुझसे जानबूझकर टकराई थी, पर फिलहाल के लिए तो तुम्हें अपने इवेंट के तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने कोइंजी से बात की, पर उस चीज का भी कोई फायदा नहीं हुआ। काश अगर मैं कुशीदा होती तो मैं कुछ कर पाती। और तब हम देखते हैं अगली गेम स्टार्ट हो जाती है जहां क्लास सी फिर से घटिया तरीके से खेलकर टीम रेड को हरा देती है। पर अगले मैच में रुइन की वजह से सुडो को फिर से गुस्सा आ जाता है, और रुइन सब कुछ इतने प्लान से कर रहा होता है कि किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता। और तब रुइन की टीम वाइट जीत जाती है, और तब टीम वाइट और टीम रेड के पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। और तब यहाँ कारियुजावा आयनाकोची से कहती है, क्या हम किसी मुसीबत में हैं? एक गद्दार ने हमारे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट को रुइन को बेच दिया है, और वो इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दो चीजें कर रहा है, जिससे कि वो कमजोर प्लेयर्स के जरिए सूडो को कैद कर रहा है और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के जरिए गेम को जीत रहा है, और दूसरा वो सुजुने को पूरी तरह से तोड़ रहा है। तो क्या इसके हिसाब से क्लास जी के जीतने के कोई चांसेस भी है? मेरा शुरू से ही जीतने का कोई इरादा नहीं था, और इस टाइम सबसे जरूरी चीज तो ये है कि हम कुछ ना करें और इस स्पोर्ट्स इवेंट में जितना हो सके उतना हारें, जिससे कि हमें बाद में फायदा मिले। और तब यहाँ सुडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो जैसे ही रुइन के साथ लड़ने जाने लगता है, हिराटा उसे वहाँ आकर रोक लेता है। और तब हम यहाँ देखते हैं क्लास जी के सारे मेंबर्स सुडो से नाराज हो रहे होते हैं। तब सुडो कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी क्लास के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ? क्या तुम सच कह रहे हो? क्योंकि तुम्हें देखकर तो बस ये लग रहा है कि तुम बस ये साबित करना चाहते हो कि तुम कितने अमेजिंग हो। और तब सुडो युकिमुरा पर हमला करने लगता है, पर हिराटा बीच में आ जाता है, और तब सुडो हिराटा को एक जोरदार पंच मारता है और सबको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और तब यहाँ ब्रेक की अनाउंसमेंट हो जाती है, और आयनाकोची सुजुने को सुडो को वापस लाने के लिए कहता है, पर सुजुने मना कर देती है। तब आयनाकोची कहता है, आखिरकार तुम कब तक ऐसे यूजलेस रहोगी? आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस इस अनलकी एक्सीडेंट की वजह से कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम्हें सच में ये अनलकी लगता है? क्या तुम्हारी इंजरीज और क्लास जी का हारना तुम्हें कोइंसिडेंस लगता है? तो आखिरकार मैं क्या करूं? चाहे मुझे पता है कि ये सब कुछ रुइन कर रहा है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम एक वेपन हासिल करने का चांस खो रही हो, फ्यूचर में तुम अकेले रहकर कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाओगी, और तुम इसी तरह हेल्पलेस फील करोगी, तो इसलिए तुम्हें एक वेपन की जरूरत होगी जो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करे, और सुडो वो वेपन बन सकता है, तो इसलिए उसे वैसे ही यूज करो जैसे मैंने तुम्हें यूज किया था। तो अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुमने क्या करना है। और तब यहाँ हिराटा आयनाकोची से कहता है, अगर तुम्हें गद्दार के बारे में पता है तो तुमने उस पार्टिसिपेशन वाले लिस्ट को सबमिट होने ही क्यों दिया? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये आइडिया सुजुने का है,
तो तुम उसी से पूछो। और तभी यहाँ कुशीदा सुजुने को नर्स के ऑफिस जाने के लिए कहती है, तब वहाँ रुएन भी मौजूद होता है और हम देखते हैं वो उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने क्लास सी की उस लड़की को जानबूझकर जख्मी किया है, जिस वजह से वो अब चल भी नहीं सकती। और तब हम देखते हैं कि नोशिता भी उस बात के लिए एग्री करती है और कहती है कि सुजुने ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। तब सुजुने सोचती है इसमें मेरी इनोसेंस को प्रूव करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तब रुइन उसे स्टूडेंट काउंसिल में जाने का आइडिया देता है। तब सुजुने सोचती है पर इस टाइम मैं अपने भाई के लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती। और तब कुशीदा सुजुने का साइड लेकर रुइन को इस मामले को स्टूडेंट काउंसिल के बाहर ही सेटल करने की बात करती है। तब रुइन कहता है अगर सुजुने मुझे 1,000,000 पॉइंट्स दे देगी तो हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। पर सुजुने मना कर देती है। पर तब रुइन जैसे ही स्टूडेंट काउंसिल की तरफ जाने लगता है तब सुजुने उसके ऑफर को मानने पर मजबूर हो जाती है। तब रुइन कहता है अब इसके साथ मेरी एक और शर्त है, तुम्हें 1,000,000 पॉइंट्स के साथ साथ मेरे सामने झुकना भी होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ सोचने के लिए इस इवेंट के खत्म होने तक का टाइम देता हूँ। और तब यहाँ सुजुने सोचती है मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो कि उसके ट्रैप में फंस गई। और तब रास्ते में सुजुने को उसका भाई मिलता है और वो कहती है मुझे पता है क्लास जी की पोजीशन इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अच्छी नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूँगी। और सोचती है मेरे भाई को मेरे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, पर फिर भी इसने यहाँ रुककर मेरी बात सुनी है तो मेरे लिए इतना ही काफी है, तो चलो वो आखिरी चीज की जाए जो मुझे इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में करनी चाहिए। तब यहाँ सुजुने सूडो को मनाने चली जाती है और हम देखते हैं सूडो वापस आने से मना कर देता है। और तब सूडो हारने के लिए अपनी क्लास को ब्लेम कर रहा होता है। तब सुजुने कहती है मुझे ये तो समझ आ रहा है कि तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि तुम अपनी स्पेशल गेम में हार रहे हो, पर क्या यही असली बात है? तब सूडो कहता है असल में तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरी तारीफ करें, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा बेकार थे तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं उनके जैसा नहीं बनूंगा, पर मैं अब हर रोज अपने आप को उन्हीं की तरह बनता देख पा रहा हूँ। तब सुजुने कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा भाई भी जीनियस है और सभी ने यही एक्सपेक्ट किया था कि उसकी बहन भी जीनियस ही निकलेगी, पर सच्चाई तो ये है कि सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है और यहाँ पर तुम स्पोर्ट्स में सबसे अच्छे हो, पर इस टाइम तुम बिल्कुल यूजलेस हो क्योंकि तुम सच्चाई से भाग रहे हो और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम भी अपने पेरेंट्स की तरह बेकार बन जाओगे। पर हम देखते हैं सूडो फिर भी उससे कन्विंस नहीं होता। और तभी लंच ब्रेक खत्म होने की अनाउंसमेंट हो जाती है और सूडो वापस अपने रूम की तरफ जाने लगता है। पर सुजुने उसका नीचे ही वेट करने का वादा करती है। पर सूडो उसे इग्नोर करके ऊपर चला जाता है और यहाँ एनकोजी कुशीदा को अपने साथ थ्री लेग रेस दौड़ने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि वही डी क्लास की गद्दार है जिसने सी क्लास को इन्फॉर्मेशन दी थी। तब कुशीदा मना कर देती है। तब एनकोजी कहता है तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट की फोटो खींचते हुए देखा था, पर हम दोनों ही जानते हैं कि हमें इससे मना किया गया था और वैसे भी जिस तरह क्लास सी हमें हरा रही है ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर उन्हें उस लिस्ट के बारे में पता हो। तब कुशीदा कहती है तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर अगर मैं एक मिनट के लिए सोच लूं कि मैं गद्दार हूं जिसने क्लास की इन्फॉर्मेशन को लीक किया है तो तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने क्यों उन पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट को चेंज नहीं किया जबकि तुम्हें पता था कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को लीक करने वाली हूँ? तब एनकोजी कहता है इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि जब तक क्लास जी में गद्दार रहेगा वो कोई ना कोई रास्ता निकाल कर इस इन्फॉर्मेशन को लीक कर ही देगा, और अगर मैं उन पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट को चेंज कर भी देता तो भी क्लास जी का कोई भी मेंबर आखिर में जाके उस लिस्ट को देख सकता था और उसे लीक कर सकता था। तब कुशीदा कहती है तुम सच में कमाल के हो, तो इसका मतलब अब मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने सही कहा मैं ही गद्दार हूँ, पर तुम इसे किसी को बता नहीं सकते क्योंकि मेरे पास अभी भी वो यूनिफॉर्म है जिसके ऊपर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। तब एनकोजी कहता है मुझे पता है कि मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं कर सकता और मुझे ये भी पता है तुमने शिप के टेस्ट पर भी क्लास सी की मदद की थी ताकि तुम सुजुने को इस स्कूल से निकाल सको, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी और उसके बीच में दुश्मनी क्या है। तो कुशीदा कहती है मैं सुजुने को एक्सपेल करवाने वाली हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर अब मैंने एक और चीज डिसाइड कर ली है कि मैं तुम्हें भी यहाँ से एक्सपेल करवा दूंगी और उसके बाद क्लास ए तक पहुँचने के लिए मेहनत करूंगी,
और तब हम देखते हैं सूडो वापिस आ जाता है, पर वो फिर से सोडा कैन लेकर वापिस जाने लगता है। तब सुजू ने उसे कहती है, सूडो मुझे समझ आ गया है कि हम दोनों एक जैसे हैं। मेरा भाई जो कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, वो लाइफ में हर चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता आया है और मैंने जिंदगी भर उसका पीछा किया है ताकि मैं उस तक पहुँच सकूँ, जिस वजह से मैं अकेली हो गई। पर मुझे लगा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक मैं अपने हर काम को परफेक्टली करती रहूंगी तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरा भाई मुझे जरूर एक्सेप्ट कर लेगा। और मैं यही सोचकर इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आई थी कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लूंगी और उसमें जीत जाऊंगी तो मेरा भाई जरूर मुझे अप्रिशिएट करेगा। और इसके सामने मेरी क्लास मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी थी, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी गलत थी। मैं ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। अब मुझे पहली बार टीम के साथ काम करके पता चला है कि मैं चीजों को और भी अच्छे से कर सकती हूँ, तो अब मैं उनकी मदद से जीतूंगी, आगे बढ़ूंगी और अपने भाई के अप्रिसिएशन के काबिल बनूंगी। तो इसलिए सुडो मुझे पता है कि तुम इसी रास्ते पर चल रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें दोबारा से अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तो क्या तुम हमारे ग्रेजुएशन तक मेरे गोल को पूरा करने में मदद करोगे? और इसके बदले में मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। और तब हम देखते हैं सूडो उसकी बात मान जाता है और तब यहाँ सूडो वापिस आके सभी से अपनी गलती की माफी मांगता है। तब सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब यहाँ सुजुने और आकितो फिजिकली फिट ना होने की वजह से लास्ट गेम में पार्ट लेने से मना कर देते हैं और तब उनकी जगह आयने कोजी और कुशीदा आ जाते हैं। और तब हम देखते हैं उस स्पोर्ट्स इवेंट की 1200 मीटर रिले रेस स्टार्ट हो जाती है। तब यहाँ सुजुने का भाई आयने कोजी से कहता है, तुम्हारी क्लास को देखकर लग रहा था कि इसके बचने के कोई चांसेस नहीं है, पर ये अचानक से स्ट्रांग हो गई है, आखिरकार ये कैसे हुआ? तब आयनको जी कहता है, ये सारा कमाल तुम्हारी बहन ने किया है और तुम चिंता मत करो, क्लास जीत से और भी ज्यादा ताकतवर होती जाएगी। तब सुजुने का भाई कहता है, पर मुझे तुम्हारी इन काल्पनिक बातों पर कोई विश्वास नहीं है। तब आयनको जी कहता है, तो क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ? चलो फिर मेरे साथ ये रेस भागो और याद रखना अपनी पूरी ताकत के साथ भागना। और तब हम देखते हैं सुजुने के भाई के पास चेक आने के बावजूद भी वो नहीं भागता है, पर बाकी सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तब हम देखते हैं जैसे ही आयनको जी के हाथ में स्टिक आती है वो दोनों अपनी पूरी ताकत से भागने लगते हैं और एक एक करके सभी लोगों को पीछे छोड़ते जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तब आयनको जी सोचता है, मैं आज तक दुनिया के सामने अपनी पूरी पावर से नहीं भागा हूँ और अब मैं इससे भी ज्यादा तेज होने वाला हूँ। और तब हम देखते हैं टीम रेड जीत चुकी होती है और फिर भी फर्स्ट ईयर की क्लास डी सबसे लास्ट आई होती है। तब यहाँ कारियुजावा आयनको जी की स्पीड की तारीफ करती है। तब आयनको जी कहता है, इसका क्या फायदा, मैं तब भी सुजुने के भाई को नहीं हरा पाया। तब कारियुजावा कहती है, तुम सुजुने के भाई को तो इसलिए नहीं हरा पाए क्योंकि तुम्हारे आगे एक लड़का गिर गया था, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तब यहाँ सुजुने और सुडो दोनों आयनको जी को शाबाशी देने लगते हैं। तब सुजुने कहती है, मैं इस बार फेल हो गई हूँ, पर इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल की वजह से मुझे बहुत ज्यादा ग्रो करने के लिए मिला है और मुझे पूरा यकीन है कि ये क्लास स्ट्रॉन्ग जरूर बनेगी और हम क्लास ए तक जरूर पहुंच पाएंगे। और तब हम देखते हैं सुजुने वहाँ से रेयोन को मिलने चली जाती है ताकि वो रुइन की 1 मिलियन पॉइंट्स वाली शर्त को पूरा कर सके, और वहाँ कुशीदा भी होती है। तब सुजुने कहती है, क्या तुम अपनी एक्टिंग करना बंद करोगी? मुझे पता है कि तुमने ही क्लास सी को क्लास जी की परफॉर्मेंस लिस्ट प्रोवाइड की थी। तब कुशीदा इस बात को मानती नहीं है। तब सुजुने कहती है, तुम अब इसके सामने एक्टिंग क्यों कर रही हो? तुम्हें अपनी सच्चाई मान लेनी चाहिए। पहले मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, पर अब मुझे याद आ गया है, मेरे मिडिल स्कूल में तुम्हारे जैसा दिखने वाला कोई थी। तब कुशीदा अपनी पर्सनैलिटी स्विच करके कहती है, तो तुम्हें आखिरकार याद आ ही गया, मैं उस टाइम बहुत ज्यादा मुसीबत पैदा करने वाली लड़की थी, और अब जब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ याद आ ही गया है तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। तब सुजुने कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे बाहर निकालना चाहती हो, पर तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि तुम भी इससे बच नहीं पाओगी। तब कुशीदा कहती है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तुम याद रखना कि तुम अपने बड़े भाई को इससे दूर नहीं रख पाओगी, और तुम ध्यान रखना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए चैतान से ही सौदा क्यों ना करना पड़े,
तब सुजु ने रुइन से भी उसके प्लान के बारे में पूछती है और हम देखते हैं रुइन क्लास जी की स्पोर्ट्स फेस्टिवल के प्लान को उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता है और उसे यह भी बताता है कि किनोशिता के पैर पर जो चोट आई थी वो भी तुम्हारी वजह से नहीं आई थी, मैंने उसके पैर पर लात मारकर उस जख्म को ज्यादा गहरा किया था। और तब हम देखते हैं सुजु ने यह सब कुछ अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रही होती है। तब रुइन कहता है इस कन्वर्सेशन के स्टार्ट से पहले ही मैंने कहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी कल्पना है और इसी सभी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तब सुजु ने उस पार्ट को डिलीट करने की बात करती है और हम देखते हैं रुइन भी इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा होता है और तब वो सुजुने को अपनी शर्त को पूरा करने के लिए कहता है। पर तभी उसे एक मेल आती है और वो उस मेल के वॉइस नोट को सुनकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है सुजुने जो भी तुम्हें यूज कर रहा है वो सच में बहुत कमाल का है, उसने तो मुझे पहले से ही ट्रैप कर लिया है। और तब रुइन उन दोनों को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जहां उसका पूरा प्लान उसके मुंह के द्वारा एक्सप्लेन किया गया होता है। तब रुइन कहता है लगता है क्लास सी में भी कोई गद्दार है और तुम्हें भी इस्तेमाल किया गया है कुशीदा, क्योंकि तुम्हारी गद्दारी को पहले से ही समझ लिया गया था और जो भी पर्सन इस तरह की रिकॉर्डिंग बनाता है वो जल्दी सामने नहीं आता है, तो इसलिए मुझे इसे ढूंढना ही पड़ेगा। तो सुजुने जो हमारे बीच में डील हुई थी वो कैंसिल हो गई है, मतलब तुम बच गई हो। अब गाइस इसी के साथ सीजन 2 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हो।